हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लेसन ऑन वायलेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। तुम अभी युवा हो किंतु जब तुम और बड़े हो जाओगे तो तुम महसूस करोगे कि मनुष्य आंतरिक रूप से किस प्रकार नरक में से गुजरता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, किस प्रकार कष्ट में से गुजरता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, क्योंकि वह लगातार स्वयं से, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी से, विथ हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों से, विथ हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों से, विथ हिज गॉड्स अपने देवताओं से लड़ता रहता है। He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity, and no charity. वह दुख और भ्रम में रहता है, इसलिए उसके पास प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, दान नहीं है। And a person may have PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars. एक व्यक्ति के नाम के बाद PhD डिग्री हो सकती है, अथवा वह एक व्यापारी हो सकता है जिसके पास अनेक मकान व मोटर कारें हों। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन, काइंडलीनेस, नो कंसिड्रेशन, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड डैट इज डिस्ट्रक्टिव। किंतु यदि प्रेम नहीं हो तो, स्नेह नहीं हो, दया नहीं हो, विचार नहीं हो, तो वह वास्तव में एक पशु से भी अधिक खराब है, क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है जो एक विनाशकारी है। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, इसलिए जब तुम युवा हो तुम्हें ये सब बातें जाननी पड़ेगी। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब बातें दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दी थिंग्स सो डैट योर माइंड बिगेंस टू थिंक, तुम्हें ये सब बातें स्पष्ट दिखानी पड़ेगी ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना आरंभ कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वरना तुम भी शेष संसार की भांति हो जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। और बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना दान के और उदारता के, जीवन भयानक चीज हो जाएगा। डैट इज वाई वन हैज टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायोलेंस, यही कारण है कि हिंसा के समस्त समस्याओं पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। हिंसा को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानता है, बिना युद्ध के और बिना संस्कृति के होना है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड मेयरली टू कर्व आउट अ लिटल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन डेट लिटल होल फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी इज नॉट टू लिव। जीवन बड़ी चीज है और इसमें केवल अपने लिए एक छोटा छेद बनाना और इस छोटे छेद में रहना, तमाम व्यक्तियों से लड़ना जीवन नहीं है। इट इज अप टू यू, यह तुम पर निर्भर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अभी से तथा इसके आगे तुम्हें इन चीज़ों के विषय में जानना पड़ेगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस आर टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, तुम्हें जानबूझकर हिंसा के मार्ग पर जाना है अथवा समाज के विरोध खड़ा होना है के बीच में चुनाव करना है। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट, स्वतंत्र रहो, प्रसन्नता से रहो, खुशी से रहो, शत्रुता के भाव के बगैर रहो, बिना किसी घृणा के रहो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट,
तब जीवन कुछ भिन्न प्रकार का हो जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, तब जीवन का कोई अर्थ होगा, जीवन खुशी और स्पष्टता से भरपूर होगी। वैन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, जब आज सुबह तुम जागे, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सेफ्रॉन एज द सन रोज अगेंस्ट डैट लवली ब्लू स्काई, तुमने देखा होगा कि जब सूर्य नीले आकाश में उदय हुआ तो वे पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो गई। एंड एज द बर्ड्स बिगन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और जब पक्षियों ने गाना आरंभ किया और प्रातकाल में कोयल कूकने लगी, देर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, तो उस समय चारों ओर गहरी शांति थी, बहुत सुंदरता और एकांतता थी। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल डैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, और यदि कोई इन सब के प्रति सचेत नहीं है तो वह मृत व्यक्ति के समान है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर, किंतु केवल बहुत कम लोग सचेत हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली वैन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, वैन यू आर नॉट फ्राइटेंड, वैन यू आर नॉट लॉन्गर वायोलेंट, तुम इसके प्रति केवल तभी सचेत रह सकते हो जब तुम्हारा दिमाग और दिल खुला हुआ हो, जब तुम डरे हुए नहीं हो, जब तुम हिंसात्मक नहीं हो। देन देयर इज जॉय, देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, तब वहाँ खुशी है, असाधारण रूप से पूर्ण प्रसन्नता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और मनुष्य के दिमाग में यह स्थिति लाना शिक्षा का हिस्सा है।